हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉजी, यानी कि रीजनिंग से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी, और एनालॉजी के आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इन प्रश्नों को हम रेलवे की किरण पब्लिकेशन बुक से यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि 1996 से लेकर अब तक, यानी कि 2023 तक का ये अपडेट है। दोस्तों, सभी रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होती हैं, उन सभी के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, और एनालॉजी का ये पार्ट 4 है। यदि इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 91 है, आरआरबी जम्मू तवी टिकट कलेक्टर में पूछा गया। देखो, जिस प्रकार गरीबी का संबंध समृद्धि से है, उसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। तो देखो दोस्तों, गरीबी और समृद्धि, गरीबी का मतलब है वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, हर चीज़ के लिए वो ठीक है। गरीब और समृद्धि का मतलब है वह व्यक्ति जिसके पास हर एक चीज़ हो। तो ये एक तरह से विपरीत लिखे हैं, ठीक है, विलोम शब्द लिखे हैं विपरीत। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा संत का कुटिल से संबंध, ये सही है। देखो, संत वह व्यक्ति जो हर चीज़ को त्याग चुका है, और कुटिल वह व्यक्ति जिसके पास हर एक चीज़ है, ठीक है, हर तरह के साधन है उसके पास, लेकिन संत के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ये भी एक तरह का विपरीत ही है। संत का विपरीत क्या होता है? कुटिल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 92 है, आरआरबी भुवनेश्वर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट TA एवं ECRC परीक्षा में पूछा गया। कुर्सी का संबंध है बैठना से, प्लेट का संबंध है खाना से, तो तुला का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, वजन। देखो, तुला का मतलब है तराजू, जिससे हम वजन को तौलते हैं, ठीक है। कुर्सी पे क्या करते हैं? बैठते हैं। प्लेट में खाना खाते हैं। तो तुला से क्या करेंगे? तराजू से क्या करेंगे? वजन को तौलेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। आरआरबी NTPC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 93। जिस प्रकार गर्म का संबंध उष्ण से है, ठीक है, गर्म जो चीज़ गर्म होगी उसमें क्या उष्णता होगी, यानी कि गर्मी होगी, तो वही संबंध आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जलवायु। देखो, जलवायु है तो क्या होगा? मौसम। जलवायु है तो मौसम है, ऐसा कह सकते हैं, मौसम है तो मौसम में क्या है? जलवायु। लेकिन यहाँ देखो, और ऑप्शन देखो, ये तो बिल्कुल भी यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। फ्राइड अंडा, उबला हुआ अंडा, चमकीला प्रतिभा, सरे चिपकाना, तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही है। लेकिन उष्ण का मतलब क्या है? उष्णता में क्या, गर्म में क्या, गर्मी में क्या होगा? कोई चीज़ गर्म है तो उसमें उष्णता होगी, और जलवायु है तो उसमें मौसम होगा। जी का क्वेश्चन दोस्तों और NTPC परीक्षा में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 94 है ये। जिस प्रकार फिल्म का संबंध कैमरा से है, उसी प्रकार आंख का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, रेटिना। देखो, कैमरे का जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है उसको हम बोलते हैं फिल्म, ठीक है। कैमरे का जो महत्वपूर्ण अंग है उसे फिल्म कहते हैं, उसी प्रकार आंख का एक इंपॉर्टेंट भाग है रेटिना। जिस प्रकार कैमरे में फिल्म का काम है, उसी प्रकार आंख में रेटिना का काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। एनालॉजी का क्वेश्चन है, NTPC की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NTPC में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 95, हवा का जो संबंध वायुमंडल से है, देखो वायुमंडल में क्या होती है? हवा। तो वही संबंध पानी का किससे होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जलमंडल, ठीक है। वायुमंडल में क्या होता है? हम वायुमंडल में हवा के बारे में, वायु के बारे में पढ़ते हैं, और जलमंडल में किसके बारे में पढ़ेंगे? पानी के बारे में, ठीक है, यानी कि पानी का अध्ययन करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। NTPC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 96 है। बीज का फल के साथ वही संबंध है जैसा कि फल का संबंध होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, फूल। अब क्या कारण है इसका? इसका आंसर फूल है। देखो, फल से जिस प्रकार बीज मिलता है, फल से क्या मिलता है हमको? बीज मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों, फूल से फल प्राप्त होता है। फूल से क्या मिलता है? फल प्राप्त होता है। एनालॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी NTPC के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। संदूषण का संबंध जो भोज्य पदार्थ से है, उसी प्रकार संक्रमण का संबंध किससे होगा? तो देखो, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शरीर। देखो, जब भोजन खराब हो जाता है तो उसको हम कहेंगे संदूषण, क्योंकि संदूषण किसके अंतर्गत आता है? भोजन, भोज्य पदार्थ के अंतर्गत। और संक्रमण कहाँ होता है दोस्तों? शरीर में होता है। संक्रमण कहाँ होता है? शरीर में। और संदूषण कहाँ होता है? भोज्य पदार्थ में। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 3। NTPC के लिए एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 98। संवाददाता का संबंध समाचार पत्र से है, तो समाचार पत्र के समान संबंध बताइए, ठीक है। देखो,
संवाददाता का समाचार पत्र से और समाचार पत्र से है, तीन संबंध हैं आपस में, संवाददाता का समाचार से और समाचार का समाचार पत्र से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके समान होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, किसान। क्योंकि देखो संवाददाता समाचार बनाता है और उसे समाचार पत्र में छापता है, उसी प्रकार देखो किसान फसल बनाता है और वो फसल आगे जाके क्या बनता है, हमारे लिए भोजन बनता है। ठीक है, यानी कि इसका हम उपभोग करते हैं और समाचार पत्र का भी एक तरह से कैसे उपभोग करते हैं, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं। और फसल कौन बनाता है? किसान बनाता है एक तरह से, और समाचार कौन बनाता है? संवाददाता। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन एक। और भी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 99 है, मकड़ी का संबंध जाला है, जाला से है, तो ये किसके समान होगा? ऑप्शन में है स्याही कलम, मुर्गी मुर्गा मुर्गी, अध्यापक विद्यार्थी, कवि कविता। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, कवि कविता। जिस प्रकार मकड़ी जाल को बुनती है, ठीक है, यानी कि जाल तैयार करती है, उसी प्रकार कवि क्या करता है? कविता को तैयार करता है, कविता लिखता है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर देखो इससे मैच नहीं हो रहे हैं, स्याही कलम, मुर्गा मुर्गी, अध्यापक विद्यार्थी, बिल्कुल गलत है ये। तो सही क्या है? कवि कविता बनाता है और मकड़ी जाल बनाती है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 100 आरआरबी मुंबई टिकट कलेक्टर में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दो, रैकेट। ठीक है, रैकेट। क्यों? देखो क्रिकेट बैट से खेला जाता है, यानी कि बल्ले से, और टेनिस किससे खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं दोस्तों रैकेट के साथ। ठीक है, और ऑप्शन देखो शटल कोर्ट नेट, ये तो बिल्कुल गलत है। सही क्या रहेगा? रैकेट से खेला जाता है टेनिस को। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 101 है और कोलकाता टिकट कलेक्टर में पूछा भी गया। क्वेश्चन है जो संबंध दही का दूध से है तो तेल का किससे होगा? ऑप्शन में है कागज, नारियल, ज्वाला, लैंप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, नारियल। कारण क्या है दोस्तों? तो देखो दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार दोस्तों नारियल से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? नारियल। आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कोलकाता टिकट कलेक्टर में पूछा भी गया। महत्वाकांक्षा का संबंध कामना से है तो अभी क्षमता का संबंध किससे होगा? तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन एक, क्षमता। क्योंकि देखो महत्वाकांक्षा का जो पर्यायवाची कह सकते हैं आप, या फिर समानार्थी शब्द कह सकते हैं, वो कामना होता है। ठीक है, और अभिक्षमता का समानार्थी शब्द क्या होता है? क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन एक। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 103 है और अजमेर टिकट कलेक्टर में पूछा भी गया। जिस प्रकार न्यायाधीश का संबंध न्याय से है तो सेंसर का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीन, नैतिकता। ठीक है, देखो न्यायाधीश क्या करता है? न्याय करता है। और जो हमारे भारत में सेंसर बोर्ड है ना, जैसे जो फिल्मों को जांच करता है कि ये फिल्म कैसी है, उसको देखने लायक है कि नहीं, ठीक है, उसको मान्यता दी जाए कि नहीं, तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर क्या करता है? एक तरह से नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीन। एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अजमेर टिकट कलेक्टर में पूछा गया, यानी कि एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पैडल का संबंध साइकिल चलाना से है तो चप्पू का संबंध कैसे होगा? तो देखो दोस्तों साइकिल चलाते हैं तो उसमें पैडल होता है, चप्पू कहाँ होता है ध्यान से जरा देखो, तो चप्पू की जरूरत पड़ती है रोइंग में। किसमें? रोइंग में, रोइंग के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है। किसकी? चप्पू की। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन चार। क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। यदि प्रेस का संबंध समाचार पत्र से है तो उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन एक में है विद्यालय विद्यार्थी, औषधीय औषधि, सुनार आभूषण, संपादक प्रकाशक। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, विद्यालय विद्यार्थी। कारण क्या है? जिस प्रकार समाचार पत्र प्रेस में छपता है, इनकी प्रेस में तैयार होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 106 और ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यदि सड़क का संबंध जिस प्रकार वाहन से है तो वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन एक में है जल मछली, दूसरे में है विद्यालय अध्यापक, तीसरे में है ब्रह्मांड अध्यापक और चौथे में है रंगमंच निष्पादक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लगाइए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, जल मछली। अब इसका कारण क्या है? तो कारण याद रखना, देखो जिस प्रकार सड़क पर वाहन चलते हैं
उसी प्रकार जल पर मछली चलती है, ठीक है, एक मार्ग है तो दूसरा उस पर चलने वाला है, और ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन बाकी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 107 एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, सोना का चांदी से जो संबंध है वही संबंध आपको इन ऑप्शन में देखना है, आभूषण, वस्त्र, मुद्रा बैंक, मंदिर मूर्ति, चावल, मोटे अनाज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप वीडियो रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन चार, चावल, मोटा अनाज। कारण क्या है, तो देखो जिस प्रकार सोना एवं चांदी धातुएं हैं, ये दोनों कौन हैं, धातुएं हैं, सोना चांदी धातु हैं, उसी प्रकार चावल और मोटा अनाज ये दोनों अनाज हैं, यानी कि खदान में आते हैं, खदान में, ठीक है, अनाज में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन चार। क्वेश्चन नंबर 108 एनालॉजी का, और ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिस प्रकार हिटलर का संबंध जर्मनी से है वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। तो देखो ऑप्शन एक में है शेक्सपियर इंग्लैंड, मुसोलिनी इटली, तुलसीदास भारत, बोरिस येल्त्सिन रूस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दो, मुसोलिनी इटली। कारण क्या है, तो देखो जिस प्रकार हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, एक व्यक्ति है और ये उसका देश दिया है और ये वहाँ का तानाशाह है, उसी प्रकार मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, आरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, यदि अंडमान निकोबार का संबंध पोर्ट ब्लेयर से है तो वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन एक में है गुजरात आनंद, दूसरे में है हरियाणा सोनीपत, उड़ीसा भुवनेश्वर, मैसूर वृंदावन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, वीडियो रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन तीन। कारण क्या है, तो जिस प्रकार अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उसी प्रकार उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीन। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों, आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस प्रकार उड़िया का संबंध उड़ीसा से है उसी प्रकार डोंगरी का संबंध आपको बनाना है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू, असम। तो लगाइए इसका सही आंसर क्या है, तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीन, यानी कि जम्मू। कारण क्या है, तो देखो उड़िया जो है ना एक भाषा है, और कहाँ की भाषा है, उड़ीसा की, उसी प्रकार डोंगरी ये भाषा कहाँ की है, तो ये जम्मू की भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीन। क्वेश्चन नंबर 111 एनालॉजी का, पान का संबंध चबाने से है उसी प्रकार का जैसे कि फुटबॉल का संबंध है। तो देखो पान का संबंध है चबाना से, तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा, ऑप्शन एक में खेलने से, ऑप्शन दो में है दौड़ने से, तीसरे में लुढ़कने से, और चौथे में गोल करने से। और एनटीपीसी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, तो सही आंसर इसका क्या है, वीडियो रोककर आप लगा सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेलने से। तो देखो जिस प्रकार पान को चबाया जाता है तो फुटबॉल से क्या किया जाता है, फुटबॉल से खेला जाता है, यानी कि खेलने से। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 112 एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया, यीशु का संबंध जिस प्रकार ईसाइयों से है, यीशु का संबंध ईसाइयों से है उसी प्रकार आपको जोरो स्टार का संबंध बनाना है। ठीक है, जोरो स्टार का संबंध किससे, ये एक व्यक्ति है और ईसाई क्या है, एक धर्म है जो इनको मानता है, तो जोरो स्टार भी व्यक्ति हैं। अब कौन इसको मानता है, यहूदी, पारसी, जनजातीय, कैथोलिक। तो सही आंसर आपको लगाना है, कोलकाता रेलवे परीक्षा में पूछा गया ये आरआरबी में। तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दो, यानी कि पारसी। ठीक है, तो यीशु को कौन मानते हैं, ईसाई, और जोरो स्टार को कौन मानते हैं, पारसी लोग मानते हैं। टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 113 आरआरबी इलाहाबाद ईसीआरसी सीएटीए एएसएम गुड्स कार्ड के परीक्षा में पूछा गया, यानी कि एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए रेलवे में। जिस प्रकार धकेलना का संबंध खींचना से है, किसी चीज़ को धकेलना और खींचना, यानी कि ये अपोजिट दिए हैं, दूसरे के विपरीत दिए हैं, धकेलना, धक्का देना और खींचना, उसी प्रकार फेंकने का संबंध किससे होगा। ऑप्शन एक में उठना, दो में है दूर, तीसरे ऑप्शन में है कूदना, और चौथे में है समेटना। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, समेटना। कारण क्या है, तो धकेलना किसी को धक्का देना हो, खींचना यानी कि अपने पास, तो ये विपरीत है दूसरे के, विलोम है। उसी प्रकार फेंकना, किसी चीज़ को हम फेंक देते हैं फिर उसको समेटते हैं, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन चार। नंबर 114 है एनालॉजी का, और ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल टीसीसीसी जूनियर क्लर्क जूनियर अकाउंट क्लास में पूछा गया, यानी कि ये अब आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
तो जिस प्रकार एनीमिया का संबंध रक्त से है उसी प्रकार अराजकता का संबंध आपको बनाना है। ऑप्शन एक में है अनादर, ऑप्शन दो में है राजतंत्र, तीसरे में है सरकार, चौथे में है अव्यवस्था। तो सही आंसर क्या है इसका लगाइए। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन सरकार। अब कारण क्या है तो देखो रक्त की कमी होने से क्या होता है एनीमिया रोग हो जाता है। उसी प्रकार अगर सरकार नहीं है, सरकार नहीं रहने से किसी राज्य में किसी देश में सरकार नहीं रहने से अराजकता फैलती है। ठीक है अराजकता फैलती है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 115 है और आरबी भोपाल टीसी सीसी जूनियर लेवल में पूछा गया। आरबी एनटीपीसी के लिए आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे होगा। ऑप्शन एक में माल, दूसरे में रोड, तीसरे में ट्रैफिक, चौथे में गति। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका सही आंसर है ऑप्शन एक माल। अब कारण क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्क कर लेना आप। अब कारण सुन लो इसका। देखो बैंक में धन रखा जाता है तथा धन का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर भी बैंक द्वारा होता है। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट द्वारा माल की ढुलाई की जाती है। माल की ढुलाई यानी कि एक तरह से ट्रांसफर माल की ढुलाई की जाती है। ठीक है माल की ढुलाई से संबंधित है ये यानी कि ट्रांसफर से। उसी प्रकार बैंक में धन को ट्रांसफर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन एक। जी का क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों। उस जोड़े को चुनिए जो मूल जोड़े से संबंधित है। ठीक है मैं मेन लाइन यहाँ पढ़ रहा हूँ। उस जोड़े को चुनिए जो मूल जोड़े संबंध ये है मूल जोड़ा। जिस प्रकार बैडमिंटन का संबंध कोर्ट से है वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन एक में हॉकी स्टिक, दूसरे में है क्रिकेट बैट, स्केटिंग रिंग, फुटबॉल गोल। आरबी भोपाल टीसी सीसी जूनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन स्केटिंग रिंग। कारण क्या है तो देखो बैडमिंटन को जहाँ खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं यानी कि इसका परिसर है बैडमिंटन का। जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। तो और जहाँ स्केटिंग उसी प्रकार स्केटिंग के परिसर को यानी कि जो स्केटिंग गेम है वो कहाँ खेला जाता है रिंग में खेला जाता है। ठीक है तो एक खेल दिया है उसका परिसर दिया है परिसर यानी कि जहाँ उसे खेला जाता है। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन तीन। की परीक्षा में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 आरबी भोपाल टीसी सीसी जूनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में पूछा गया था। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध आपको बनाना है। ऑप्शन एक में है ऊष्मा, दूसरे में है विकिरण, चौथे में है ऊर्जा और तीसरे में ऊर्जा, चौथे में तापमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अब इसका कारण क्या है तो देखो घड़ी समय बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताता है हमें थर्मामीटर तापमान बताता है या ऐसे कह सकते हैं तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर से। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन चार। एनालॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 आरबी भोपाल टीसी सीसी जूनियर क्लर्क जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में पूछा गया था यानी कि आपके लिए आने वाले समय में आरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार ऑक्सीजन का संबंध जलना से है तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा। ऑप्शन एक में है विमुक्त, दूसरे में है झाग, तीसरे में बुझाना, चौथे में विस्फोट। तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीन। अब कारण क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध है बुझाना से। क्यों तो देखो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। किसी चीज़ को यदि जलाना है उसमें आग लगानी है तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसका संबंध है आग बुझाने से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मदद करती है आग को बुझाने में। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन तीन। क्वेश्चन नंबर 119 है एनालॉजी का और ये क्वेश्चन आरबी अजमेर ईसीआरसी में पूछा गया था। आपके लिए आरबी एनटीपीसी के लिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय में। सिपाही का संबंध सेना से है उसी प्रकार जैसा शिष्या का संबंध होगा। तो आप बीडी रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन चार कक्षा। कारण क्या है तो देखो सिपाही कहाँ रहता है दोस्तों सेना में रहता है। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि सिपाही सेना का अंग है या सेना में रहता है। उसी प्रकार शिष्या ठीक है ये कहाँ रहेगा कक्षा में। शिष्या का मतलब है विद्यार्थी कहाँ रहेगा कक्षा में। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन चार। टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसको मार्क कर लेना आप ठीक है क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ एग्जाम में हमें फंस जाते हैं। तो देखो आरबी अजमेर ईसीआरसी में पूछा गया रंग का संबंध चित्रकार से है तो कास्ट का संबंध किससे होगा। फर्नीचर से, बन से, आग से, बढ़ई से। तो रंग का संबंध चित्रकार से है। अगर रंग है तो चित्रकार से चित्रकारी करता है। अब कास्ट क्या होता है तो याद रखना कास्ट का मतलब है लकड़ी ठीक है लकड़ी वुड। तो लकड़ी का संबंध किससे होगा बढ़ई से। और बढ़ई कौन होता है कारपेंटर ठीक है कारपेंटर जो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। तो रंग से काम कौन करता है चित्रकार
और लकड़ी यानी कि काष्ठ से काम कौन करता है? बढ़ई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4।